इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने आपको पढ़ा दिया था पहले लेक्चर में, मतलब इस चैप्टर के जो कि आपको पढ़ाया गया होगा कितने प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को 11th क्लास में भंडरवाल फोर्स बोला जाता है, ये बात समझ में आ गई 11th क्लास में। अब बचपन में इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल के निकल गए थे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के मेनली तीन टाइप है, चाहे चार भी पढ़ाया जाता है। देखो तो आपने पहला पढ़ा था डाइपोल, डाइपोल पढ़े थे, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ध्यान से सुन लो, इंट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा हो गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंट्रैक्शन। तो इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका, डाइपोल डाइपोल दो पोलर में लगता था, बराबर, दोनों पोलर होते थे, दोनों परमानेंट डाइपोल होते थे, ठीक है। एग्जाम्पल कोई बोला, एग्जाम्पल कोई बोला तो बताया था हमने HCl, एग्जाम्पल HCl, HCl की HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, इसीलिए HCl, ठीक है। HCl क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। HCl एक कंटेनर में ले लो, पूरे इस कंटेनर में HCl भरे हैं, तो सारा HCl मॉलिक्यूल एक दूसरे को कौन से फोर्स पकड़ के रखा होगा, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसमें एक पोलर और एक नॉन पोलर होना चाहिए, एक पोलर और एक नॉन पोलर, जैसे फोर्स बिटवीन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का एग्जांपल हो जाएगा एक पोलर और एक नॉन पोलर। एक पोलर मॉलिक्यूल ले लो HCl और नॉन पोलर, बताइए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बोलो बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल बताओ ना जल्दी से, बोल नहीं रहे तुम लोग। एक पोलर, पोलर मतलब HCl और नॉन पोलर मतलब ये H2O2 Cl2 Br2 I2, ये सब 2 2 वाले नॉन पोलर है। इसके अलावा नोबल गैस, जितने नोबल गैस है वो भी क्या है, नॉन पोलर है, क्लियर है। इनके बीच में फोर्स लगेगा वो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, देखो ये डाइपोल बाकी बाकी नॉन पोलर, एक पोलर और एक नॉन पोलर। तीसरा हो गया लंदन फोर्स, तो लंदन फोर्स को हम लोग डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, लंदन फोर्स को हम लोग डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। तो ये जो फोर्स लगता है बच्चों वो सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लगता है, किसमें लगता है, नॉन पोलर, नॉन पोलर समझिए आपको H2O2 Cl2 Br2 इनके बीच में, या नोबल गैसेस हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन इनके बीच में, ठीक है। और चौथा आपने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये सब लोग जानता है कैसे पता चलता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फ्लोरीन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, बताया था हमने। जैसे एग्जांपल HF में लगेगा, H2O में लगेगा, NH3 में लगेगा, देख लो सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला हो गया, ठीक है, ओके। पांचवा हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो नाम को ध्यान से पढ़ो, आयन डाइपोल क्या होता है, आयन डाइपोल मतलब इसमें एक आयन होगा और एक पोलर होना चाहिए, एक आयन होना चाहिए और एक पोलर, देखो ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन ए बिटवीन आयन एंड पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट के बीच में होगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल NaCl डिजॉल्व इन वाटर, NaCl को जब पानी में आप डालोगे, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है ना, वाटर पोलर सॉल्वेंट, वाटर पोलर सॉल्वेंट है कि नहीं है, है ना, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, अमोनिया भी पोलर सॉल्वेंट है। देखो पोलर सॉल्वेंट कौन कौन हो सकता है, वाटर हो सकता है, NH3 अमोनिया भी हो सकता है, ठीक है, याद रखो HCl भी पोलर सॉल्वेंट है, सिर्फ वाटर ही नहीं। तो ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ध्यान से,
तो जब किसी आयनिक कंपाउंड को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले आयनिक कंपाउंड अपने आयंस में टूट जाता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड अपने आयंस में टूट जाता है, और ये आयंस में टूटने के लिए कहां से एनर्जी आता है? इसको आयंस में टूटने के लिए एनर्जी कहां से मिलता है? तो पानी से ही निकलता है। अभी हम समझाएंगे। देखो ये Na है, ये Cl है, पानी में चला गया, और पानी में जाने के बाद इसमें इस पे आके चिपक गया। कौन चिपक गया? वाटर। वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। वाटर OHH बराबर, इसमें ऑक्सीजन इससे चिपक गया। क्यों भाई? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? पार्शियल निगेटिव चार्ज है कि नहीं है? ओके, तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक पोलर सॉल्वेंट है, ये डाइपोल। क्या है? ये डाइपोल, और ये क्या है? आयन। ये आयन डाइपोल, इनके बीच में फोर्स है। ये क्या हो गया? आयन, और ये क्या हो गया? डाइपोल। तो आयन और डाइपोल के बीच में फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन ऑफ सोडियम आयन। ध्यान दो, या सॉल्वेशन के लिए हम लोग यहां पर इसको हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। सॉल्वेशन की जगह पर क्या बोल सकते हैं? हाइड्रेशन ऑफ Na प्लस आयन। ठीक है, तो इसी तरह Cl माइनस को कौन आकर के घेर लेगा? H, क्योंकि H पे कौन सा चार्ज है? प्लस। H को घेर लिया, ठीक है, क्योंकि H पे प्लस चार्ज है। तो ये भी हो गया आपका सॉल्वेशन ऑफ Cl माइनस आयन। ठीक है, सॉल्वेशन ऑफ क्या हो गया? Cl माइनस आयन। तो क्या होता है सॉल्वेशन? ध्यान से सुनेंगे, जब कोई आयंस को वाटर मॉलिक्यूल पूरे तरफ से घेर ले, उस प्रोसेस का क्या नाम होता है? सॉल्वेशन। क्या नाम होता है उस प्रोसेस का? सॉल्वेशन। सुनना ध्यान से, when solvent molecules get attracted towards ion, get towards या get surrounded, ऐसा लिखो, get एक सेकेंड, क्या बोलेंगे? सॉल्वेशन दोनों, when आयन dissolve in a polar solvent, जब आयन को पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व करेंगे, then आयन get surrounded by molecules of polar solvent. This process is called solvation. समझ में आ गया? समझ में आ गया? जब किसी भी आयन को हम किसी सॉल्वेंट में डालेंगे पोलर, तो पोलर सॉल्वेंट को घेर लेगा, इस प्रोसेस का नाम क्या है? सॉल्वेशन। अगर सॉल्वेंट वाटर है, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर सॉल्वेंट वाटर है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तब उस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन। अगर पानी है तो हाइड्रेशन। जैसे अगर हम Na को अमोनिया में घोले तो बोलेंगे सॉल्वेशन ऑफ सोडियम आयन, सॉल्वेशन बोलेंगे। अगर हम Na को पानी में घोल दे तो बोलेंगे हाइड्रेशन। ये फर्क है, ठीक है। पानी के लिए हाइड्रेशन वर्ड यूज होता है, ठीक है। तुम जानते हो कि पानी को हाइड्रेटेड बोलते हैं, पानी के लिए यूज होता है हाइड्रेशन वर्ड, ठीक है। इफ सॉल्वेंट इज वाटर, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। क्लियर हो गया सबको ये बातें? ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
कि जब भी हम किसी आयंस का हाइड्रेशन करते हैं, तुमको समझ रहा होगा भाषा, जब हम किसी आयंस का हाइड्रेशन करते हैं तो उससे क्या रिलीज होती है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना जल्दी जल्दी ये घुलेगा पानी में, याद रखना। ये घुलने पर घुलना भी डिसाइड करता है, ठीक है? तो ध्यान से सुन लो, द एनर्जी रिलीज इन सॉल्वेशन ऑफ आयन इज कॉल्ड सॉल्वेशन इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी। पानी के लिए हाइड्रेशन, क्लियर है ना? पानी के लिए हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलेंगे, ठीक है? अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी कंपाउंड डिजॉल्व होगा। अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होगा तो कंपाउंड जल्दी जल्दी डिजॉल्व होगा, ठीक है? अगर इफ हाइड्रेशन इंथैल्पी इज मोर देन कंपाउंड गेट डिजॉल्व इन वाटर फास्टली। कोयला क्यों? क्योंकि अभी हम तुमको बोले थे कि Na प्लस Cl माइनस का बॉन्ड टूटा, वो एनर्जी कहां से आई? ये जो निकली है, ये एनर्जी ही जाके बॉन्ड तोड़ रहा है। और ये एनर्जी ज्यादा होगा तो बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटेगा, घुलेगा, नहीं कम होगा तो नहीं टूटेगा, नहीं घुलेगा। समझ में आ गया? तो यहां पर आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, देखो दिख रहा है, यहां पर जो फोर्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है? द फोर्स बिटवीन आयन, देखो ये आयन एंड पोलर सॉल्वेंट, क्लियर है? ये पोलर सॉल्वेंट, उसके बीच में जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है? ओके, ये हर जगह नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा आपको? जब किसी आयनी कंपाउंड को पानी में घोलेंगे, ठीक है? तो देख लो यहां पे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन और एनायन एंड मॉलिक्यूल ऑफ पोलर सॉल्वेंट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, आयन यानी कटायन भी हो सकता है या एनायन भी हो सकता है, बिटवीन आयन एंड मॉलिक्यूल ऑफ पोलर सॉल्वेंट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। सही है बच्चों? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है? और आयन डाइपोल इंट्रैक्शन तब पॉसिबल है जब किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में घोलेंगे। देखो, दिस फोर्स एग्जिस्ट व्हेन आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। जब आयनिक कंपाउंड को कहां घोलोगे? पानी में। एग्जाम्पल ये दिख रहा है, ठीक है? समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है ना? सॉल्वेशन हाइड्रेशन, सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, इंथैल्पी को एनर्जी बोलते हैं, ठीक है? चलिए, ये हो गया बच्चों। अब आगे हम लोगों को पढ़ना था गैस लॉ। क्या पढ़ने थे? गैस लॉ पढ़ना है। तो गैस लॉ पढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं जो आपको जानना बड़ा आवश्यक है, ध्यान से समझ लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। देखो, कुछ चीजें आपको बेसिकली पता होना चाहिए, आप गैस लॉ पढ़ने से पहले हम बता दे रहे उसको, ठीक है? देखो, सबसे पहली चीज, आपको मास के बारे में जानकारी होना चाहिए। हम आपको बोले थे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया, बहुत सारे लोग बाद में आ गए तो छूट गया। मास तो सबको समझता है, किसी भी वस्तु के अंदर जितना मटेरियल है, जैसे पेन है, इसके अंदर प्लास्टिक है, तो जितना प्लास्टिक है वो इसका मास है, क्लियर है?
ये कितना फोर्स से अर्थ की तरफ खींच रहा हो इसका वेट है। देखना फिजिक्स ये बोलती है, इस पेन को अर्थ खींच रही है, जितने फोर्स से खींच रही है वो वेट है। अब ये पेन मून पे चला गया तो मून खींचेगी, वो उसका मून पे वेट होगा, और ये बदलता है क्योंकि हर चीज के खींचने की क्षमता अलग अलग है। लेकिन इसके अंदर जो प्लास्टिक लगी है बनाने में, वो इसका मास है, और वो तो नहीं बदलेगा ना, हम चाहे मून पे लेकर चले जाए चाहे कहीं चले जाए, कि बदलेगा नहीं बदलेगा। तो मास आप जानते हो, किसी भी चीज को बनाने में जितना मटेरियल लगा है, जैसे ये बॉटल बनी है इसको भी प्लास्टिक लगा है, ये रुमाल बना है कॉटन लगा है, ये बोर्ड बना है लकड़ी लगा है, तो जिस चीज को बनाने में जितना मटेरियल लगा है, जितना सामान लगा है, वो इसका मास है। तो मास मतलब बेसिकली मटेरियल, याद रखें मटेरियल प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। देखिए आपको यूनिट्स याद रखने हैं बस। मास का ऐसा यूनिट तो होता है भाई केजी, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, बट यहां तो ऐसा यूनिट में नहीं कर चलता है ना काम, ये तो तुमको पता होगा ना केमिस्ट्री में ऐसा ही नहीं चलता, बिकॉज ऐसा ही बहुत बड़ा है यहाँ के लिए, यहाँ पे किलो में सामान नहीं यूज होता है, केमिकल्स 1 किलो लगते हैं क्या कहें, इतना सा केमिकल में तो काम धमाल हो जाता है, तो कहें भाई केजी चाहिए अपने को, तो भाई बड़ा छोटा छोटा यूनिट यूज होता है, यहाँ पर ग्राम यूज होगा, सबको पता है 1 ग्राम में 1000 केजी होता है, ये सब पता है ना, उल्टा बोलती है सॉरी, 1 ग्राम में 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, पता है कि नहीं पता है, पता होगा। अच्छा उससे और छोटा चले जाओ तो माइक्रोग्राम होगा, क्या होगा माइक्रोग्राम, ठीक है, माइक्रोग्राम मतलब 10^-6 ग्राम, माइक्रो मतलब 10^-6, ठीक है माइक्रो, तो तुम ये याद करो ना, 10 बार क्यों तो याद करो, मिली माइक्रो पीको, सॉरी नैनो छोड़ गया, नैनो पीको, तो मिली मतलब 10^-3, माइक्रो यानी -6, नैनो यानी -9, और पीक्यू यानी -12, और 15 का शायद फेमटो होता है। तो आप 11th की आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री की केमिस्ट्री के बुक में ना पहले चैप्टर में दिखेगा, फिजिक्स में भी दिखेगा, आप इसको देख लेना, पूरा टेबल बना के दिया हमने। मिली कहीं भी लगाओ, कहीं भी मिली लगाओ तो 10^-3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है याद रखना। और माइक्रो वर्ड हटाने के लिए 10^-6, माइक्रो का सिंबल ऐसा म्यू होता है म्यू, मिली का एम स्मॉल एम, नैनो का स्मॉल एम, पीको का स्मॉल पी, ठीक है आप एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट चैप्टर निकाल के देखिएगा, ये याद होना चाहिए आपको, तब कहीं भी काम आता, कहीं भी काम आता, हर जगह काम आता, नॉट ओनली मास, ये हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा, ठीक है। फेमटो यानी 10^-15। अच्छा उसके बाद प्लस में चले जाओ, प्लस में आता है तो किलो वर्ड आता है, कहीं भी किलो लगा मतलब 1000 पक्का आता है, तुमने देखा होगा +3 किलो यानी 10^+3। अच्छा अगर मेगा लगा हो, मेगा तो 10^+6, ठीक है मेगा और मिलियन भी बोलते हैं इसको, मिलियन मेगा एक ही होता है, ठीक है 10^+6। ये दो प्लस वाले हैं, तीन तीन के टेबल में तो है, देखो 3, 6, 9, 12, 15 आराम से याद होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा है आप याद रखो, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम जानते होंगे, ट्रॉम ऐसा लिखा होता है 1^0, एंगस्ट्रॉम होता है 10^-10, ये आपको याद होना चाहिए तब काम आएगा, ठीक है। तो आपको माइक्रो मिल सकता है, आपको मिली मिल सकता है, देखो अब क्लियर हो जाएगा, मिली वर्ड हटाना है, देखो यहां माइक्रो हटाना, 10^ क्या लगा दिया -6, माइक्रो के बदले -6, किलो के बदले 10^+3, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है क्या, मिली के बदले कितना रखोगे 10^-3, देखो ये मिली हट गया बस, देखो मिली के जगह आ गया -3, ग्राम ग्राम सेम है, मान लो यहाँ मीटर हो सकता था, मिली मीटर, तो क्या लिखते 10^-3 मीटर, पता ये वर्ड चेंज नहीं होगा, बस ये मिली हट जाएगा, क्लियर हो गया है, ओके। तो ये मास हो गया, मास का रिश्ता मोल से होता है, मोल तो सब लोग जानते होंगे, मोल का क्या फॉर्मूला है बताइए, मास या वेट जो भी बोलो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये सब आप बहुत पढ़े हो, बहुत ज्यादा पढ़ा हमने सब, मोल मोल ऐसे निकलता है, ठीक है ओके। इतनी बातें क्लियर है ना आपको, इसके बाद हम लोग करते हैं बात बच्चों वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम मतलब होता है, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाई, स्पेस ऑक्यूपाइड या स्पेस कवर्ड,
कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या कवर करता है रखने में, उसको उसका वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे बोर्ड को रखने में जितना जगह लग रहा वो इस बोर्ड का वॉल्यूम है, ठीक है। अब वॉल्यूम काहे में नापा जाता है, अपने को मेजर यूनिट पढ़ना है तो वॉल्यूम नापा जाता है मिली लीटर, लीटर, डेसी मीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब यूनिट्स में वॉल्यूम होते हैं, ध्यान देना। तो वॉल्यूम का यूनिट हो सकता है मिली लीटर, याद रखना तुम, एक मिली लीटर एक सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। एक मिली लीटर समझता है, एक एम एल कितने के बराबर होता है, एक सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ओके। उसके बाद एक लीटर जो होता है वो होता है एक डेसीमीटर क्यूब के बराबर। एक लीटर किसके बराबर होता है, एक डेसीमीटर क्यूब, और इसमें 10^3 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1000, यानी सेंटीमीटर में 1000, सही है, लीटर से एमएल बना 1000 हो गया, और सही है ना। सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है एमएल, सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है एमएल, तुम ये तो जानते हो ना, अरे 1 लीटर में 1000 एमएल, जानते कि जानते। तो हम एमएल को क्या लिख देना है, सेंटीमीटर क्यूब, 1000 को 10^3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। उसको जब मीटर में जाओगे, मीटर देखो मीटर बहुत बड़ा है लीटर से, ये तो 10 से पढ़े होगे, 10^-3 मीटर क्यूब, मतलब सुनना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर पानी 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब का टंकी है आपका छत पे जो टंकी लगी, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा टंकी पानी वाली, तो उसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, यानी कितने लीटर की टंकी है तुम्हारे छत पे, 1000 लीटर है ना, 1000 लीटर की टंकी छत पे लगी, इससे याद रहेगा, छत की टंकी का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। तो हमने 1 लीटर पूछा था, डिवाइड में आया कि नहीं, यहां 1 करेंगे, देखो ये तो वॉल्यूम के इतने यूनिट्स ही दिखेंगे आपको, ठीक है क्वेश्चंस में, ओके भालो। उसके बाद बात करते हैं बच्चों प्रेशर की। प्रेशर तो मतलब सब लोग जानता होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब जो हम फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर लगता है। अब देखो प्रेशर के ढेरों यूनिट है बच्चों, प्रेशर का सबसे फेमस यूनिट है एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटीएम। एटीएम, एटीएम नहीं बैंक वाला एटीएम नहीं है, एटीएम बच्चा समझा, एटीएम नहीं पैसा वाला, कोई एटीएम नहीं है, ये एटीएम का पूरा नाम है एटमोस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव। तो तुम याद रखना, हवा तुमको बहुत जम से दबा के रखी हुई है, तुमको विश्वास नहीं होगा, देखो तुम प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल जानते होगे, तुम ये जानते होगे कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, ये सब लोग जानता होगा, या आप जानते होगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कहां से आए, तो प्रेशर का फार्मूला है पगला, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल। अब सोचना, पता है तुमको हवा कितना तुमको प्रेशर लगा रही है, 1,00,000 पास्कल, ओ गॉड, 1,00,000 पास्कल, 1,00,000 पास्कल को 1 एटीएम बोल दिया गया, कितना पास्कल लगा रही है हवा तुम पे, 1,00,000 पास्कल लगा रही है, हल्के में मत लो हवा को। देखो प्रेशर के क्या क्या यूनिट्स हैं, तो सबसे पहला तो पास्कल है, लेकिन क्वेश्चन में पास्कल नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन में एटीएम में ज्यादातर रहता है। फिर मैं आपको बता दे, सबसे बड़ा यूनिट तो प्रेशर को नापने का सबसे बड़ा यूनिट कौन है, एटीएम, सबसे बड़ा, एटीएम से बड़ा कोई नहीं, ठीक है याद रखना, एटीएम से बड़ा कोई नहीं है, एटमोस्फेरिक प्रेशर सबसे बड़ा यूनिट है। तो प्रेशर का क्या क्या यूनिट हम आपको बता दें, तो पहला यूनिट आपको दिखेगा एटीएम, एटीएम यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये मिटा दे क्या, तो वन एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है बच्चों वो 1.01, ध्यान सुनना, 1.01 01325 × 10^5 पास्कल, तो हमने बोला भी था लगभग 1.01 है, इतना एग्जैक्ट तो कोई करेगा नहीं, 1.01 भी आप रख सकते हो, यानी 1 × 10^5 पास्कल, लगभग 1,00,000 है ना, 1,00,000, ओके।
अब देखो ये जो वैल्यू है ये बार है, ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू है वो कितना है, बार है बच्चों। तो एक बार में देखना ध्यान से, एक बार में 10^5 पास्कल होता है। एक बार में कितना पास्कल होता है, देखो ये 10^5 पास्कल को एक बार लिख लो। तो तुम सोच के बताओ, एकदम सोच के बताना दिल से कि एक एटीएम में कितना बार, बहुत आसान है, बहुत आसान से सवाल पूछ लिए, बहुत आसान सर। 10^5 को बार लिख देंगे कितना बार बचेगा, 1.01325। समझ गया ना, बार मतलब किसनी बार, नहीं चौको बार बार यूनिट है प्रेशर का, ठीक है, छोटा है देखो एटीएम से। चलिए ठीक है, एक तीन यूनिट दिख गया, एटीएम, बार और पास्कल, तीन यूनिट दिख गया। एक और दिखता है बच्चों, एक और दिखता है आपको एमएम ऑफ एचजी। देखो 1 ATM = 760 mm Hg, ये क्या है सर, एक्चुअली क्या होता है, बैरोमीटर होता है, तुम सुने होगे बैरोमीटर प्रेशर नापता है। बैरोमीटर में मर्क्यूरी भरते हैं, अब मर्क्यूरी का जितना हाइट होता है उससे प्रेशर पता चलता है। तो हवा का दबाव मर्क्यूरी को 760 mm तक उठा सकता है, ठीक है याद रखना 760 mm। इसको हम लोग एमएम ऑफ एचजी को टोर भी बोलते हैं, यानी 760 टोर, कब मिला था ना टोर क्वेश्चन में, 760 टोर। देखो 1 ATM 760 टोर, अभी भी एटीएम सबसे बड़ा है, समझ रहा है कि ये 760 लोग मिले तो इस एक के बराबर हुए, तो मजबूत कौन, अकेला, ये अकेला इतने लोग के बराबर है, समझ रहा है, देखो सबसे बड़ा है। उसके बाद ठीक है सबका बता दिया हमें। अच्छा कोई पूछ लिया कि एक बार में कितना एटीएम, एक बार में कितना एटीएम, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां पर एक करोगे तो कहां में आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक ही चीज होगा तुमको चार बार पढ़ाया था, ये बस याद कर लो, फिर सब इसी में। देखो 1 ATM इतना पास्कल, ये पास्कल 10^5 पास्कल क्या बोलते हैं, बार, तो ये बार में हो गया, सही है, ये भी याद करना पड़ेगा। 1 ATM = 760 mm Hg, इस एमएम ऑफ एचजी को क्या लिखा जाता है, टोर, समझा भाई। और एक बार पूछे, एक बार = -ATM, तो ये तो लिखा हुआ है, इसको बस पलट दो इधर, ऐसा डिवाइड हो जाएगा 1/10, ऐसा ऐसा कर लो, ये आ जाएगा 0. तो ये 0 आएगा, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो 0.9 कितना आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये दिया जाएगा आपको 0.987, सही है। तो इतने सारे प्रेशर के यूनिट दिख सकते क्वेश्चन में, और याद रखना एक क्वेश्चन में एक ही यूनिट चलता है, एक ही क्वेश्चन में दो यूनिट प्रेशर का नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा तो बदलो, दोनों को सेम करो, ये चीज सावधान इंडिया है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, और बदलने आना चाहिए तुमको, ये सब लिख दिया। चलिए बच्चों तो अब हम लोग आए थे गैस लॉ पे, टेम्परेचर के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, टेम्परेचर के तीन ही यूनिट चलते हैं, देखो रे टेम्परेचर भी पढ़ लो, टेम्परेचर का क्या डेफिनेशन होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई कितना गर्म है और कोई कितना ठंडा है उसी को क्या बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए, केल्विन, ऐसा यूनिट क्या होता है केल्विन, और भी अदर यूनिट्स होते हैं डिग्री सेल्सियस केल्विन फ़ारेनहाइट, तीन यूनिट होते हैं। देखो तो डिग्री सेल्सियस, ध्यान सुना रे, अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलना है, ये तो बहुत बार पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो प्लस कर देना पड़ता कितना 273, जानते होंगे, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस बनाना है तो क्या करते हैं माइनस कर देते, कितना 273, यानी केल्विन बड़ा दिखता है डिग्री सेल्सियस छोटा दिखता है, याद रखना। जैसे हम आपको बोले पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है डिग्री में 100, और केल्विन में 373, बड़ा वैल्यू है ना, याद रखना बड़े बड़े वैल्यू केल्विन में होते हैं। तो 1 degree Celsius = 0 degree 273 केल्विन के बराबर है, देखो जब इसमें जीरो होता है तो ये 273,
इसका काउंटिंग जीरो से चालू होता है, इसका 273 से चालू होता है। ये वन होगा तो ये 274, ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 374 होगा ना, 373 होगा क्या भाई। चलिए तो ये चीजें समझ गए। और एक फ़ारेनहाइट है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा, टेंशन मत लो। इतनी चीजें आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। एक दो वर्ड और यूज होते हैं, एनटीपी या एसटीपी, ये सब पढ़ाए हैं। कोई बच्चा पुराना वाला बोल दे पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, बताओ सब लोग सुन ले, बोलो क्या हमने पढ़ाया केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इवन फिजिक्स में भी पढ़ाए होंगे। देखिए तो एनटीपी एक वर्ड आता है, एनटीपी बार बड़ा वर्ड आता है क्वेश्चंस में, एनटीपी या एसटीपी, इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड, एस फॉर स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? तो नॉर्मल टेम्परेचर बच्चों बोलते हैं किसको बोले थे, याद है क्या किसी को? 0 डिग्री सेल्सियस को बोले थे कि रूम टेम्परेचर को बोले थे? बोल लिया। नॉर्मल टेम्परेचर में टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? रूम था कि जीरो था, देख लेना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस या यहाँ 273 लिखा है, इतना बोल रहा है। और प्रेशर उस समय होता था 1 atm, प्रेशर कितना 1 atm, जब 1 atm, अब देखो सारा atm से सारा रिलेशन बताएं, और 1 atm बोलेंगे तो hg में क्या बोलोगे, 760 टोर बोलोगे, टोर में क्या बोलोगे 760। अच्छा अब बार में क्या बोलोगे, 1 atm कितने बार के बराबर है, 1 atm कितने बार के बराबर, 1.01 ऐसा कर लो, इतना बार। पास्कल में कितना बोलो, वो लिखा हुआ पास्कल, क्लियर हो रहा है भाई, तो छोड़ो ना। इसको हम लोग एनटीपी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं गैस लॉस पे। तो इस चैप्टर में आपको कितने वेरिएबल्स के बारे में चर्चा किया जाएगा, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और मोल, चार वेरिएबल है। चार वेरिएबल के बारे में ही, जितने भी लॉ है उनमें दो दो लॉ का रिलेशन बनाया उन्होंने, बाकी दो को क्या करें कांस्टेंट, हर लॉ में यही किया गया। ये चार वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल, मोल समझा ना, मोल मैं अभी बताया था, मास बाई मॉलिक्यूलर मास करके निकलता है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो इन चारों में से दो दो के बीच में रिलेशन बनाया इन्होंने और बाकी दो को कांस्टेंट रख दिया, उसी को हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं। सब मिटा दें, हो गया है, नोट कर लिए क्या इधर का? गैस लॉ क्या है, द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज कीपिंग अदर्स कॉन्स्टेंट, which describe the properties of gases, ठीक है, it's called gas law। okay, बढ़िया, समझ में आ गया। रिलेशन है दो क्वांटिटी के बीच में, बाकी लोगों को कॉन्स्टेंट रखना। तो गैस लॉ में कितने लॉ पढ़ाए जाएंगे आपको, चार लॉ पढ़ाए जाएंगे, एक बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ। आप याद करोगे एबीसी बताया था हमें, तीसरा एवोगाड्रो लॉ और चौथा गे-लुसक लॉ। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ को बच्चों प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन भी बोला जाता है। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन से इसको याद रखने के लिए हम आपको बोले थे ये इक्वेशन याद रखिए, पीवी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन है इसमें, इसका
इन दो की बात करो तो इन सबको क्या रखोगे? कांस्टेंट। हमने क्या बोला? दो लोगों का रिलेशन है, बाकी लोग कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, यानी हम रिलेशन ऐसा दिख रहा है हमको, पी इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट। इसको आप थोड़ा और पीछे सोचो, ये डिवाइड में हो सकता है, यानी प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो सकता है, हो सकता है ना। अच्छा कांस्टेंट हटा दोगे तो साइन क्या बन जाएगा? प्रोपोर्शनल। यही लॉ है। क्या लॉ है ये? कि प्रेशर अप्लाइड बाय ये गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? वॉल्यूम के। सही है। बट कांस्टेंट क्या होना चाहिए? एट कांस्टेंट, देखो यहां क्या क्या कांस्टेंट करोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट करिए एंड अमाउंट को कांस्टेंट कीजिए, फिक्स कीजिए अमाउंट, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों? क्या स्टेटमेंट है बताओ? तो स्टेटमेंट है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या स्टेटमेंट है बताइए? वो नहीं रहता। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सही है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है, दिख रहा है आपको। या आप इससे भी डिफाइन कर सकते हो, इससे भी क्या कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। ये भी लिख सकते हो, कोई गलत उससे भी नहीं है, ठीक है। जब भी कोई चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, देखना PV इक्वल टू K, ऐसे लिख सकते हो। जब भी कोई दो चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, इसका क्या मतलब है? इसको हमेशा मल्टीप्लाई करके वही आएगा, चाहे हम प्रेशर कितना भी कम ज्यादा कर दें। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम थोड़ा सा। मेरे पास एक ऐसा सिलेंडर है, सिरिंज देखे होगे तुम डॉक्टर का, डॉक्टर साहब तुमको सुई देते हैं, देखे हो क्या? उसमें एक ब्लैक कलर का रबर ऐसा होता है, देखे हैं? उसको पिस्टन बोला जाता है साइंस के अवसर। देखो ये पिस्टन है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, गैस की बात करना। अभी इस सिलेंडर का वॉल्यूम है बच्चों, सॉरी वॉल्यूम नहीं, प्रेशर। इसका प्रेशर जो है अभी 10 पास्कल है, नहीं सॉरी प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। 10 लीटर वॉल्यूम है और 5 पास्कल प्रेशर, मान रहे हैं? मान सर, एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब प्रोडक्ट ऑफ पीवी कितना हो रहा? 50 हो रहा, 50 ही हम हमेशा मानते हैं। एक बच्चा बोल दिया 100 मान लिया जाएगा, इस बार कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 50 थोड़ा इजी है नंबर्स में, इसीलिए। अब हमने क्या किया, इस पिस्टन को अंदर दबा दिए। जब हम जैसे अंदर दबाएंगे इस पिस्टन को, तो देखो पिस्टन दबा दिए, ये 10 लीटर वॉल्यूम और 5 पास्कल प्रेशर। वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम कैसे लेते हैं? जितना बड़ा डब्बा वही गैस का वॉल्यूम, बताए थे वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर। अब ये पिस्टन यहां आ गई, अब ये पिस्टन इसको दबाते दबाते यहां आ गई, तो वॉल्यूम कम होके 5 लीटर हो गया, तो प्रेशर बढ़ के 10 पास्कल हो गया। ये देखो ये चीज बता रहा है कि वॉल्यूम जितना कम करोगे टुक 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 प्रेशर ऑटोमेटिक हाई हाई हाई, यानी जोर से दबा रहा होगा। इसके गैस जो होंगे वो दीवार को ऐसा जोर से दबा रहे हैं, और इसको कम कर दिया हमने, यहां आ गया। अब देखो अब और ज्यादा, देखो 20 सॉरी ढाई लीटर वॉल्यूम, ढाई लीटर हो गया 2.5, और पास्कल 20 पास्कल हो गया। तो क्या दिख रहा है तुमको? हर जगह प्रोडक्ट सेम है ना, मल्टीप्लाई करके वही आंसर आ रहा है, यानी प्रेशर बदल जाएगा वॉल्यूम बदल जाएगा, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू वही आएगा एक गैस के लिए, और दूसरा गैस लेंगे तो दूसरा कांस्टेंट आएगा, बट वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा उस गैस के लिए। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है
पी वन बी वन इक्वल टू किसके, पी टू बी टू, मतलब प्रेशर बदल जाए वॉल्यूम बदल जाए, ये देखो पी वन बी वन, फिर प्रेशर बदल जाए वॉल्यूम बदल जाए, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा इक्वल, दिख रहा है, पी थ्री बी थ्री भी लिख सकते हो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, सभी लॉ में ग्राफ बनाए गए, जो जो वेरिएबल लोग हैं जिन दो की बात करें उन दोनों को ग्राफ बनाओ, एक को एक्स एक्सिस पे ले लो, एक को वाई एक्सिस पे लेके इनका ग्राफ बनाया जाता है, देखो ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है, तो ग्राफ बनाया गया भाई, तो इसी वैल्यू को लेके ग्राफ बना लो, देखो हमने वैल्यू लिया है ना, इसी वैल्यू को अगर आप ग्राफ पे उतारोगे तो आपको दिखेगा कम, एक कम हो रहा है ज्यादा, देखो ऊपर ले लो प्रेशर y एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ले लो वॉल्यूम, देखो प्रेशर है पांच, प्रेशर है पांच, ओके, तो वॉल्यूम है दस, यहां मान लो दस, टुक 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 टुक, यहां एक डॉट आएगा, आएगा अब प्रेशर हो गया दस, प्रेशर बढ़ के हो गया दस, तो वॉल्यूम हो गया घट के पांच, यहां आएगा, अच्छा अब प्रेशर हो गया आपका 20, प्रेशर हो गया बढ़ के 20, तो ये घट के हो गया ढाई, ये देखो दिख रहा है, ऐसे ग्राफ बन रहा है, यहां से जोड़ेंगे, तुम चाहो तो इसको दिमाग में भी रख सकते हो, कभी भी कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, इसको दिमाग में रख सकते हो, कोई भी ऐसा जैसे कोई बोल दे आप ग्राफ बनाओ y इक्वल टू वन बाई एक्स का, तो आप फटाक से ऐसे बना टुक, ठीक है उल्टा रहा तो, और कोई बोला y इक्वल टू एक्स का बना दो तो स्ट्रेट लाइन ऐसा, ठीक है याद रखना इसको, ओके ये रिलेशन है। अब इस ग्राफ को बनाते वक्त टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखे, मतलब हर वक्त जब हम सिलेंडर को दबा रहे थे तो टेम्परेचर फिक्स रखे थे, टेम्परेचर क्या रखे थे बच्चों, फिक्स, बदलने नहीं दिया हमने, नहीं तो टेम्परेचर अगर बदल गया तो फिर ये लॉ गलत हो जाएगा, ठीक है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट किया गया है, 25 पे बनाया गया, पूरा का पूरा ग्राफ बनाते समय टेम्परेचर का वैल्यू कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस, पूरा ग्राफ बनाते समय था ना, तो इसी ग्राफ को बोला गया आइसोथर्म, क्या बोला गया आइसोथर्म, क्या होता है आइसोथर्म, आइसोथर्म क्या होता है बताओ, द ग्राफ बिटवीन या द प्लॉट, प्लॉट भी बोले थे हमने, या ग्राफ बोल सकते हैं, बिटवीन किसके किसके बीच का ग्राफ बताइए, प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, आइसोथर्म बोलते हैं। अब एक ने बोला सर अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो, अब बोला एक बच्चे ने सर क्या होगा अगर हम 25 को 30 कर दिए तो ये वैल्यूआ चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू 5 और 10 अब नहीं, अब मल्टीप्लाई करके 50 नहीं आएगा, कुछ ज्यादा आएगा, समझा, मान लो आप टेम्परेचर को यहां 25 के जगह 40 कर दिए तो अब ये वैल्यू वॉल्यूम 5 लीटर रहेगा, प्रेशर हो सकता है बढ़ के हो गया 20, ले 20 25 100, अब प्रोडक्ट कितना आ रहा है 100, पहले कितना आ रहा था 50, तो अब ये ग्राफ यहां नहीं बनके थोड़ा ऊपर हो जाएगा, बराबर ये बात समझ में आ गई, चलिए तो इसको हम फिर से अगला बनाए, तो अगर अलग अलग टेम्परेचर पे आप ग्राफ बनाओगे तो ये T1 टेम्परेचर पे बनाया, ये T2, ये T3, तो ये समझ जाओ जो ग्राफ जितना ऊपर है उसका टेम्परेचर क्या है उतना हाई, ये टेम्परेचर ज्यादा हाई पे बना होगा, ठीक है। अब ये ग्राफ सब 13 आ रहा था तो इसके लिए हमने एक आइडिया लगाया कि क्यों नहीं, देखो थोड़ा ध्यान से, P इक्वल टू के बाई वी, अगर आप P और V को देखोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, और हम इसको ऐसा देखें तो P इक्वल टू के टाइम्स 1 बाई वी, ये पूरे 1 बाई वी और P को एक साथ देखो तो ये Y जैसा दिख रहा है, बराबर ये M जैसा दिख रहा है, और ये किसके जैसा दिख रहा है X, तो Y बराबर जब MX हो जाएगा तो कैसा ग्राफ आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, कैसा ग्राफ आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन,
तो ये स्ट्रेट लाइन के चक्कर में इन्होंने ग्राफ ऐसा बनवा लिया, एंड एक तरफ प्रेशर लिया और एक तरफ क्या ले लिया, वन बाई वॉल्यूम और कुछ नहीं, और फिर ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पर भी तीन ग्राफ बनाया हुआ है, T1, T2, T3। तो बताओ इसमें कौन ज्यादा है, T1, T2, T3 में? एक बच्चा बोला T3, अभी हम जानबूझ के उल्टा लिखे हैं, T3 ज्यादा नहीं है भाई, जो ज्यादा स्लोप बनाया, जो ज्यादा एंगल बनाया वो टेम्परेचर ज्यादा, यानी T1 ज्यादा है किससे, T2 और उससे, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंगल बढ़ते जाएगा, समझ रहे, टुक 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 टुक। यहां भी देखो ऊपर गया, यहां पर देखो टेम्परेचर ये वाला हाई है, हमने जानबूझ के उल्टा कर दिया, यानी स्लोप ग्राफ का समझता है ना, स्लोप क्या होता है, टैन थीटा, झुकाव, उस झुकाव जितना एंगल है उसमें टैन लगा दो स्लोप आ जाता है, तो स्लोप बढ़ जाएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। क्लियर हो गया सारी बातें, ओके, इतनी बातें आपको पढ़ाई गई थी। उसके बाद जो 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 लॉ में वॉल्यूम है, याद रखना जिस लॉ में वॉल्यूम है उसको डेंसिटी में बनाया जा सकता, क्यों, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम की जगह क्या पुट कर सकते हैं, डेंसिटी का वैल्यू। तो चलिए आप नोट कर लीजिए,